नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल ने बच्चों व कार्यकर्ताओं संग लगाई रेस, कांग्रेस बोली भारत को बिखरने नहीं देंगे। तेलंगाना चरण के पांचवें दिन यात्रा गोलापल्ली से शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और बच्चों संग रेस लगाकर पदयात्रियों में जोश भर दिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को फिर से शुरू हो गई। तेलंगाना चरण के पांचवें दिन यात्रा गोलापल्ली से शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और बच्चों संग रेस लगाकर पदयात्रियों में जोश भर दिया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आज की यात्रा की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। पार्टी ने लिखा है, अन्याय और नफरत के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। हम भारत को यूं बिखरने नहीं देंगे। राहुल आज तय करेंगे 22 किलोमीटर की दूरी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी का आज करीब 22 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राहुल गांधी शाम को सात नगर में सोलीपुर जैक्शन पर एक बैठक को संबोधित करेंगे। बता दें, यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले राज्य में कुल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान तेलंगाना की 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों में से यह यात्रा गुजरेगी। 4 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन का विश्राम दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।